हेलो एवरीवन, आरोही का रिजल्ट आने के बाद जो आरोही की फाइनल आंसर की रिवाइज्ड जो आंसर की थी वो भी आ चुकी है। आप उसे साइट पर देख सकते हो। जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हो तो उसकी जो साइट है वो है www.bseh.bhiwanischooloficeducationharyana.org.in पर। ये जो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है आरोही रिक्वायरमेंट टेस्ट सितंबर 2019 फाइनल आंसर की। तो जो जो आंसर गलत थे जिनके, उन आंसर्स को अब फाइनल आंसर की में ठीक कर दिया गया है। फाइनल आंसर की में उन सभी आंसर्स को ठीक किया गया है जिन पर बच्चों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए थे कि इनके आंसर ये नहीं होने चाहिए थे। मोस्टली जो क्वेश्चन उन्होंने रोंग दिए हुए थे और बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, सभी को ठीक कर दिया गया है। और इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को हुआ है क्योंकि जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया था उनके भी जो नंबर हैं वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आए हैं। तो आप चेक कर सकते हो साइट पर जाके कि आंसर कौन सा दिया हुआ था पहले और अब कौन सा है। अब हम आपको कॉमर्स के जो जो आंसर अब रिवाइज होके आए हैं उनको डिस्कस कर रही हैं। तो जो 55 क्वेश्चन था जिस पर कई स्टूडेंट्स ने बताया था कि हम टू लिख सेकेंड ऑप्शन लिख के आए हैं, कईयों ने थर्ड लिख के आए हैं, तो दोनों ही आंसर्स को ठीक माना गया है कि ए प्रोड्यूसर दैट हैज़ एनफ मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस, कि एक निर्माता जिसके पास कीमत को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त बाजार शक्ति है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राइस मेकर भी कह सकते हैं और प्राइस लीडर भी कह सकते हैं। तो दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल राइट हैं और इसे भिवानी बोर्ड वालों ने भी बिल्कुल राइट माना है। उन्होंने भी ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों को राइट किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ था, क्रेडिट सेल्स कैन बी असरटेन्ड एज द बैलेंसिंग फिगर इन द, कि किसी खाते के शेष द्वारा उधार बिक्री ज्ञात की जा सकती है। देखो, अगर उधार बिक्री यानी कि क्रेडिट सेल्स को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसे हम टोटल डेटर अकाउंट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे, अगर हम उधार सेल करते हैं तो उससे हमारे डेटर बढ़ते हैं और डेटर बढ़ते हैं, जितने के डेटर बढ़ेंगे उतनी ही हमारी क्या होती है, क्रेडिट सेल होती है। तो पहले क्या दिया हुआ था, पहले टोटल क्रेडिटर दिया हुआ था और आंसर आना चाहिए था टोटल डेटर्स। कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि आप आंसर रॉन्ग बता रहे हो। जी नहीं, इसका आंसर सेकंड ही था और अब भी सेकंड ही है। आप फाइनल आंसर की में चेक कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 87 था, एक क्रेडिट बैलेंस डिनोट्स, कि एक क्रेडिट बैलेंस क्या डिनोट करता है। तो एक क्रेडिट बैलेंस ये डिनोट करता है कि फर्म पर कुछ ना कुछ उधार है, यानी कि फर्म के क्रेडिटर है। तो इसका पहले ऑप्शन थर्ड दिया हुआ था लेकिन इसमें किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता, इसमें फर्म के ऑप्शन दिए हुए तो इसमें फर्म से ही रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए, मनी इज ओनिंग टू द फर्म, और आंसर अब फाइनल आंसर की में फर्स्ट ही कर दिया गया है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत दिए हुए थे बट अब उनको क्या कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है। बच्चों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए थे, उन सभी के बातों को बिल्कुल सही मानते हुए आंसर्स को रिवाइज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 का भी आंसर क्या दिया हुआ था, पहले कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर, कि अगर आंसरों को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, किसको शेयर डिबेंचर या लोन लेने के लिए, तो जो भी उसके ऊपर लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, अंडरराइटिंग लगते हैं, कमीशन लगते हैं, वो किसके अंदर आते हैं। देखो, वैसे तो कमीशन है जो हमारा, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर कमीशन लेना या देना अगर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है ना तो रिवेन्यू में आता है, बट अगर वो कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर या डिबेंचर से रिलेटेड हो जाता है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। तो जो पहले दिया हुआ था वो आंसर फर्स्ट दिया हुआ था लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बिल्कुल राइट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 95 था, इसमें भी क्या दिया हुआ था, देखो इसमें तो ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा था कि ईच ईच दिया हुआ था, लेकिन जो हमारी रेशो निकल के आ रही थी वो इक्वल नहीं निकल के आ रही थी। तो हम अगर
अगर उन्होंने इक्वल जो है सेक्रीफाइस ही नहीं किया है तो उन्हें इक्वल हम पार्ट गुडविल में पार्ट कैसे दे सकते हैं। तो इसका तो सीधा सा आंसर नन ऑफ दीज ही बनता था। क्वेश्चन क्या था? संतोष एंड नेहा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। संतोष सन नील वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय संतोष टू हिज सन। द रिमेनिंग वाज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय नेहा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 14,000। हाउ मच ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद था एक 96 क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ एडमिटेड ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कि जो हमारे क्या था, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यदि पुराने फर्म के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में तुलना पत्र का मतलब होता है बैलेंस शीट में दर्शाए गए कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए था ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करके शो करते हैं। बट पहले आंसर दिया हुआ था ओल्ड पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आंसर गलत था अब उसे ठीक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर कर दिया गया है। उसके बाद जो 97 क्वेश्चन। ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कि किसी साझेदार के रिटायर होने पर या मृत्यु होने पर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो देखो क्रेडिट वही होगा जो उसका गुडविल में शेयर होगा, लेकिन पहले क्या दिया हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसको क्रेडिट सिर्फ उसी के पार्ट से किया जाता है। तो जो आंसर से गलत दिए हुए थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन था उन सभी को अब राइट कर दिया गया है। और पहले हमने जो आरोही मॉडल स्कूल की जो वीडियो बनाई थी उसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हो, तो वो चेक कर सकते हैं, वो गलत नहीं थे, उनको अब बिल्कुल राइट मान लिया गया है। सो आप भी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया था तो आप अपनी रिवाइज आंसर की एक बार जरूर चेक कीजिए ताकि आपको जो राइट आंसर है उनका पता लग सके। क्योंकि आप फ्यूचर के टीचर हो तो आपके माइंड में वही बात सेट हो जाती है कि इसका आंसर यह था तो यही है, बट एक्चुअल में जो आंसर है उसका पता होना बहुत जरूरी है ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस से आप ये कह सको कि हाँ इसका आंसर ये राइट नहीं है, ये है। So thank you for watching this video. Please subscribe my channels and share with your friends. Thank you.